नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से हम जानेंगे कि तिलोत्तमा अप्सरा के बारे में। तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सराओं में एक हैं। पुराणों के अनुसार इनकी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर से सुंदर वस्तु को तिल तिल कर जोड़ कर बनाया था, इसलिए इनका नाम तिलोत्तमा रखा गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने हवन कुंड में इनकी रचना की थी। एक कथा के अनुसार सुंद और उपसुंद नामक दो पराक्रमी असुर भाई थे। त्रिलोक की विजय करने के लिए दोनों विंध्याचल पर्वत पर तप करने के लिए गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने के लिए आए तो उन दोनों ने अमृतत्व का वर मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा ने यह वरदान देने से मना कर दिया तब दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपस में बहुत ही प्रेम है और वे कभी भी आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वर मिले कि एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में उन्हें कोई न मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने संसार भर में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिनकी वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। अंत में दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के उद्देश्य से ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की रचना की। सुंद उपसुंद के निवास स्थान विंध्या पर्वत पर तिलोत्तमा को भेज दिया गया। तिलोत्तमा अप्सरा को देखते ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। ये तो शास्त्रों की बात होगी। अगर आज के कलयुग में देखा जाए तो इस साधना से जो अप्सरा के गुण होते हैं वो साधक के अंदर आते हैं, जैसे आकर्षण व्यक्तित्व, तेज से भरा चेहरा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला शरीर मन, और मन और शरीर हमेशा चैतन्य रहना। अब हम जानेंगे कि तिलोत्तमा अप्सरा साधना से लाभ क्या क्या मिलते हैं। स्त्री तथा पुरुष कोई भी ये साधना कर सकता है। स्त्री पुरुष में आकर्षण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, पुरुषों में यौन क्षमता बढ़ जाती है, स्त्रियों में भरपूर यौवन की प्राप्ति होती है, शरीर के हाव भाव में आकर्षण आ जाता है, आपकी बातों में या हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण छुपा रहता है। यह एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर नहीं होता, बुढ़ापे को रोकने में मदद होती है, हीन भावना दूर कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यौन क्षमता में वृद्धि होती है, संपूर्ण शरीर व चेहरा आकर्षण से भर जाता है। स्त्रियों के लिए यह साधना अत्यंत लाभकारी है। चेहरे पर तेज यानी प्रभा मंडल चमकने लगता है, शरीर में आनंद, चेतना तथा स्फूर्ति बनी रहती है। तिलोत्तमा साधना के नियम। तिलोत्तमा साधना अप्सरा कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। 18 वर्ष से लेकर 60-70 वर्ष तक के व्यक्ति तिलोत्तमा अप्सरा साधना को संपन्न कर सकते हैं। ये साधना किसी के मार्गदर्शन में ही करें। हमेशा आंखें बंद कर मंत्र का जाप करें। किसी जानकार गुरु से दीक्षा अवश्य प्राप्त कर लें। इनकी साधना को बीच में कदापि न छोड़ें। स्त्रियों के मासिक धर्म के कारण 3 दिन की छूट होती है। स्त्री के प्रति सम्मान रखने पर ही साधना में सफलता का अवसर मिलता है। साधना एक निश्चित समय पर ही शुरू करें, 10-15 मिनट आगे पीछे चल जाता है। साधना में उपांशु जाप का प्रयोग करें, यानी बुदबुदाकर मंत्र का जाप करें, यानी इस जाप में ओठ हिलते रहने चाहिए। जल्दबाजी में साधना न करें, जितने दिन की बताई गई है उतने दिन यह साधना अवश्य करें। कुछ साधकों को बीच में ऐसा लगता है कि यह साधना सफल हो गई है, इसलिए साधना को बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा कदापि न करें। साधना के प्रति पूर्ण विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। साधना के दौरान अपने मन पर, शरीर पर नियंत्रण रखें। साधना सामग्री तिलोत्तमा अप्सरा मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधना सामग्री में तिलोत्तमा यंत्र, तिलोत्तमा माला, तिलोत्तमा गुटिका, सिद्ध परफ्यूम, सिद्ध चिरमी के दाने, तांत्रिक नारियल, तिलोत्तमा श्रृंगार, तिलोत्तमा आसन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। साधना के दौरान खुशबू आने का एहसास होता है, किसी को अपने आसपास चलने का भी एहसास होता है। कुछ भी हो, साधना के दौरान अपनी आँखें न खोलें। तिलोत्तमा साधना को किसी भी शुक्रवार या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरुआत कर सकते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर साधना करें। रोज 21 माला का जाप करें। इस साधना की अवधि 41 दिनों की है, यानी 41 डेज की है। साधना समय सूरज डूबने के बाद का होता है। तिलोत्तमा साधना का मंत्र है ओम तिलोत्तमा प्रिय वशम करीम हुम नमः। ओम तिलोत्तमा प्रिय वशम करी हुम नमः। आशा है यह नियम आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।